आज हमारे बड़े वाले बेटे को जाना था बाहर, मतलब बाहर जाना था, तो बोले कि कुछ घर में ऐसा बनाओ मम्मी जो बाहर से ना खरीदना हो, बहुत काफी गर्मी है, और जो वैली ना हो, बिना तेल का हो और सॉफ्ट भी हो, चटपटा थोड़ा बनाओ मम्मी। बोले ठीक है, देखते हैं, जो घर में है ना उसी से बनाएंगे, जो कुछ घर में हमारे है उसी से बनाते हैं चटपटा। जब चटपटा बनाएंगे ही तो क्यों ना हम अपना ऑडियंस के साथ शेयर करें। आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी, चटपटा, सॉफ्ट एकदम, मतलब इतना स्पॉन्जी बनेगा फ्रेंड्स, स्पॉन्जी तो बोलिए इसे आगे कुछ नहीं बोलेंगे, इतना लजीज बनेंगे ना आप सोच नहीं सकते हैं। बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताई मैम, और आपके खाने वाले भी अगर घर में कोई और होंगे तो वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे। तो चलिए हम क्या बनाएंगे देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं ये सेवई। तो ये सेवई एकदम पतली वाली है, एकदम जो बारीक वाली आती है ना वही सेवई है हम ले लिए। इनका हम पैकेट खोलेंगे, आज सेवई से ही हम नाश्ता बनाएंगे, जो आप जब भी चाहे तब बना सकते हैं, और आपके घर में अगर गेस्ट मेहमान के भी देंगे ना वो काफी तारीफ करेंगे। ये सेवैया का नाश्ता। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर ये रेसिपी आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। और चलिए यहाँ पे हम सेवैया को थोड़े तोड़ेंगे, मतलब क्रश करेंगे, काफी लंबे लंबे हैं तो इस तरह से हम इनको क्रश कर लेते हैं। बहुत बिखरते हैं तो ध्यान रहे कि साफ सुथरी जगह पे आप इनको तोड़े इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस तरह से तोड़ लेंगे सबको, हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम सेवई को क्रश कर लिए, एकदम एकदम बारीक, मतलब नहीं करना है तो थोड़ा, एकदम मोटा भी नहीं रखना है, एकदम अच्छे से क्रश करना है ताकि ये बढ़िया से हैंडल करने में बन जाए। तो देखिए हम इतना बढ़िया से क्रश कर लिए, अब देखिए आगे हम क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑन करके ले लिए हम पैन, पैन में हम लेंगे करीब 2 से 3 चम्मच तेल। तो तेल आप जो भी खाते हो वो ले लीजिएगा। तो 3 चम्मच हम ले लिए तेल, और तेल हल्का गर्म हो जाए तब तक हम कुछ सामग्री तैयार कर लेते हैं। अब हम बोले थे कि तेल जरा सा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो तेल क्यों हम यहाँ पे लिए हैं आप आगे देखते जाइए वीडियो में, क्योंकि थोड़ी जरूरत है, थोड़ी इनसे चटपटी और सौंधी बनेंगे। तो बस इतना तेल नहीं लेना है कि हमें फ्राई करना है। यहाँ पे हम ले लिए हैं 1/2 छोटी चम्मच काला राई, और इसी में हम लेंगे 1 चम्मच भर के मूंगफली। ये कच्चे वाले हैं, रोस्टेड नहीं है, आपके घर में रोस्टेड है तो वो ले लीजिएगा। यहाँ पे हम मूंगफली ले लेंगे, इनका छिलका हल्का हटा लिए हैं। 1 चम्मच लेंगे हम मूंग दाल, आपके घर में जो दाल हो, मतलब मसूर दाल, रहर दाल छोड़ करके चना दाल, उड़द दाल, जो भी दाल हो ले लीजिएगा। हमारे घर में मूंग दाल थे इनको ले ले रहे हैं। सारा ये 1 1 चम्मच है, राई 1/2 छोटा चम्मच है। अब हम क्या करेंगे ना, इसी में हम ले लेंगे करी पत्ता 20 से 25। अब सबको हम थोड़ा चलाते हैं, हल्का सा ही चटक जाए, पूरा जलाना नहीं है। अब चलाते हुए हम थोड़ा सा इनको रोस्ट करेंगे, मूंगफली को और राई को हल्का सा चलाएंगे इस तरह से, दाल को भी चला लेंगे। हल्का सा चटकने लगे हैं, अब हम क्या करेंगे सबको थोड़ी देर चलाएंगे, एकदम जलाना नहीं है तो थोड़ा रोस्ट भी करना है। राई बहुत देर से चटकते हैं तो बस इनको अच्छे से चटका लेते हैं। और इसी में हम लेंगे 1 छोटा सा प्याज चॉप किया हुआ ले लेंगे, आपकी पसंद हो लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। साथ में लेंगे हम 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ, और साथ में हम अभी चलाएंगे इनको अच्छे से ताकि सब अच्छे से हल्का सा रोस्ट हो जाए, क्रंच रहे। हल्का सा रोस्ट कर लिए, देखिए सारे चीज हमारा क्रंच है एकदम। अब हम क्या करें कि इनमें हम लेंगे सेवई, सेवई को अच्छे से ले लेना है, और सेवई को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो मार्केट से अगर रोस्टेड ला रहे हैं सेवई तो फिर भी आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के ना जाने कब का रोस्ट किया हुआ रहता है, घर में थोड़ा रोस्ट, ये हमारा रोस्टेड नहीं है तो इसीलिए हम इनको हल्का रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, मतलब सेवई को। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि हम क्या क्या इनमें लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्लीज जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं, कहाँ कहाँ से देखते हैं हमारे चैनल वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स अगर यही रेसिपी आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इनको हम रोस्ट करते हैं। पहले इसी में हम लेंगे 1/2 कप सूजी, मोटा महीन कोई भी ले सकते हैं, तो हमारे पास बारीक वाली सूजी है तो हम इनको भी ले लेते हैं, इनको भी रोस्ट कर लेंगे थोड़ा अच्छे से। चलिए इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इनको रोस्ट करते हैं।
इनको रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से हमारा सूजी और सेवई सारे मसाला हमारा रोस्ट हो गया है। यहाँ पे इनको फ्राई नहीं करना है, हमें रोस्ट करना है, रोस्ट करने के लिए लिए है। तो चलिए गैस कर देते हैं ऑफ, और अब आगे क्या करना है इनको देखिए। तो अब ले लिए यहाँ पे एक सर्विंग बाउल, सर्विंग बाउल में हम लेंगे जो सारे सामग्री भुने हैं ना, रोस्ट किए हैं ना उनको। यहाँ पे लेंगे हम आधा कप दही, तो दही से आप लोग क्या समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, आप जितना नमक खाते हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। और इसमें हम लेंगे, ऐसे तो इस रेसिपी में नहीं पड़ता है पर हमारे बेटे को कहना है तो इसीलिए हम ले रहे हैं 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आपको नहीं पसंद है तो मत लीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, हम ले ले रहे हैं अपने बच्चे के कहने पर। दही ले लिए तो आप लोग के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा कि क्या बनने वाले हैं। ये ऐसा रेसिपी है कि हम एकदम हेल्दी तरीके से हम बना रहे हैं, क्योंकि हम ना इनमें सोडा ना इनो कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, बस दही ही काफ़ी है। और थोड़ी सी अगर खट्टी मीठी चाहिए तो आप चीनी भी ले सकते हैं, हम चीनी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें कि 1 कप पानी लिए हैं। देखिए अब पानी हम अपने हिसाब से लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, अब पहले मिलाते जाएंगे इनमें अच्छे से। ये रेसिपी आप पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल पर फ्रेंड्स, इतना मजा आएगा, इतना कमाल का आएगा कि आप देखते ही बनाएंगे जरूर, एकदम बनाइएगा बहुत ही। ऐसे तो सेवई से बहुत सारे रेसिपी हम डाल चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर देखिएगा, पर ये रेसिपी आपको मिलेगा ना एकदम धमाका होगा, धमाका होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज जरूर कीजिएगा शेयर लाइक। यहाँ पे हम पानी लिए थे ना 1 कप, उनमें से आधा लिए। अभी हम क्या करेंगे कि पूरा पानी जो आधा कप बचे हुए उनको ले लेते हैं। तो पानी देखते हुए लेना है और अच्छे से पहले इनको मिला लेना है बढ़िया से। जब जरूरत पड़ेगी तो पानी लेंगे, हम आपको बताएंगे कि कब कब पानी लेना है, कितना लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा टाइट लग रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि आधा कप के करीब पानी और ले लेंगे। इस तरह से एकदम आराम से मिला दे, कोई टेंशन नहीं है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मतलब 2 पैकेट सूजी है तो यहाँ पे अभी हम 1.5 कप ही लिए हैं पानी, और शायद लगेंगे उस हिसाब से आप 3 कप 4 कप मान के चलिएगा, बता देंगे वीडियो में हम अभी। तो अभी क्या करना है इनको ना, बस मिलाना है। मिलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनको इस तरह से फैला दें। फैलाने के बाद इन्हें 10 मिनट कम से कम रेस्ट पे ढक के रहने दें। अच्छा अब 10 मिनट बाद हम देख लेते हैं इनको। तो 10 मिनट बाद काफ़ी ठीक हो गए हैं। 10 मिनट रखिएगा रेस्ट पर जरूर, 10 मिनट से कम में रखिएगा ना, तो ये हो सकता है कम फूल पाए। देखिए यहाँ पे एकदम ठीक हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि 1.5 कप पानी पहले लिए थे और 1 कप पानी अभी लिए हुए हैं, तो फिर हम आधा कप पानी लेंगे, आधा हम बचाए हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे पानी हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 कप के लगभग पानी अभी तक ले चुके हैं, तो चलिए इनको पहले मिला करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी ये ठीक है, 2 कप पानी लिए थे तो आधा कप पानी जो बचा है हम इनको ले लेते हैं। टोटल 2.5 कप पानी लिए हैं, बता दिए ना रेशियो कप का। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से अब ये अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेंगे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हरा धनिया, और पहले ही बताए ना, ना बेकिंग सोडा लेंगे, ना इनो लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे इनमें, अच्छे से बस मिक्स करना है इनको। रेस्ट पर दीजिएगा, एक खुद ही एकदम हल्की या फूले फूले बनेंगे। तो इनको तो अच्छे से तैयार कर लिए, देखिए कितना बढ़िया हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो बस अब यहाँ पे कुछ बर्तन मतलब इनके लिए तैयार कर लेते हैं। आ गई बर्तन यहाँ पे, देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या मतलब किस चीज़ का स्टैंड लिए। तो बस यहाँ पे हम बनाने वाले हैं सेवई से इडली, जो कि इनमें ना चटनी का जरूरत पड़ेगा ना ही कोई सांभर का जरूरत पड़ेगा। बस सफर में ले जाना है, अच्छे से एयर टाइट डब्बा में दे दे या फिर आप बटर पेपर में दे दें, आराम से ये चले जाएंगे, खराब भी होंगे नहीं। तो यहाँ पे सभी पे हम तेल ग्रीस कर लिए हैं। अब चलिए बैटर के बारी है, बैटर ले लेते हैं। तो चलिए अभी हम बैटर को थोड़ा सा मिला लें और इस तरह से, ताकि ऊपर नीचे अच्छे से सारे सामग्री मिल जाए, और बिना इनो बिना बेकिंग सोडा का इतना बढ़िया हल्का फ्लफी बनेंगे ये आप सोच नहीं सकते हैं। एक बार ट्राई करना बनता है ना। चलिए अब हम इडली स्टैंड में इनको भर लेते हैं। सब में 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच आप लीजिएगा, अगर बड़ा बनाना है तो 3 चम्मच ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2-1.5 चम्मच लगभग ले रहे हैं। यहाँ पे सारे इडली स्टैंड में हम ले लिए हैं, देखिए कितना खूबसूरती से ले लिए। अब चलिए आप तो जान ही गए हैं, तो इनको हम स्टीम के लिए ले चलते हैं। अब यहाँ पे पहले से ही हम पानी चढ़ा दिए थे, तो पानी बहुत अच्छे से यहाँ उबाल मार रहे हैं। इसी तरह से आप भी लीजिएगा ताकि जल्दी से फटाफट बन जाए। तो देखिए कितना बढ़िया से पानी खोल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि 1 इडली स्टैंड उठाएंगे आहिस्ता से, अब संभल के डालिएगा, हम ठीक कर लेते हैं इनको। देखिए कितना बढ़िया से आ गए।
अब दूसरे वाले को भी ऊपर से रख लेते हैं। एक बार में देखिए हमारा कितना बन जाएंगे, 14, देख रहे हैं, एक ही बार में आ गए। अगर आपके पास नहीं है इडली स्टैंड तो आप कटोरी में प्लेट में बना सकते हैं, एकदम आराम से बन जाएंगे। इन्हें कम से कम 10 से 12 मिनट स्टीम होने दें। अब 12 मिनट बाद देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ, थोड़ा ठंडा होने देते हैं इनको ढक के। हल्का फुल्का ये ठंडा हो गए हैं, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनको। तो बस फटाफट से क्या करना है, इनको निकालना है। यदि इनो और सोडा डाले रहते तो ये खिले खिले होते, तो हम कुछ भी नहीं लिए हैं। देखिए फिर भी कितना बढ़िया हमारा हेल्दी बनकर तैयार है। ये हल्का गुनगुना है, सावधानी से निकाले और चलिए इनको हम साइड कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक चम्मच या चाकू के सहारे हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे निकालेंगे। आपको दिखाते हैं हम, देखिए कितना बढ़िया बने हैं ना, ये देखिए एकदम सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम एक थाली में इनको लेते जाएंगे, इसी तरह से दूसरा वाला भी हम निकालेंगे। बहुत आसान तरीके से निकल जाएंगे, ये भाग भी रहे हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट बने हैं, देख रहे हैं। इसी तरह से सबको हम थाली में लेते जाएंगे। यहाँ पर सारे इडली हम निकाल लिए, सेवई वाला जो इडली बनाए थे ना उनको, आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं, इतना बढ़िया बने हैं ना, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बने हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन पे थोड़ी सी पाव भाजी मसाला से हम इस तरह से गार्निशिंग कर देते हैं, थोड़ा छिड़क लेते हैं। आपको पसंद हो तो छिड़क लीजिएगा, हमें पसंद है, हमारे बच्चे को पसंद है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी हरी धनिया ले लेते हैं, इस तरह से देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, तो सबको ले लेते हैं हम। सभी को अच्छे से गार्निशिंग कर दिए हैं। अब इसके साथ तो कोई भी चटनी का जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो आप बना सकते हैं, मूंगफली नारियल का बना लीजिए, हरे धनिया की चटनी बना लीजिए, पर यहाँ पे आप चाहे तो केचप से भी इंजॉय कर सकते हैं। देख रहे हैं ये ऑप्शनल है, आप जिस तरह से खाना चाहे, बिना चटनी के खाना चाहे बिल्कुल खा सकते हैं। तो बस आप लोग का तो भाई इंटरेस्ट है, मैम तोड़ के दिखाइए, तो आइए हम एक उठाते हैं यहाँ से और तोड़ करके दिखाते हैं इनको। देखिए अंदर से कितना पके हुए और लच्छेदार, देख रहे हैं तो है ना, बिना इनो बिना सोडा का कितना बढ़िया ये बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं। देखिए हम एक और तोड़ के दिखाते हैं, मतलब एक और नहीं, इसी को, कितना बढ़िया से सारे मसाला भी निखर के आए हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बना लिए हैं। आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।